हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी में। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, एक नॉर्मल सेल है, अगर इसको डिवाइड होना है सबसे पहले इनलार्ज होगा, ये इनलार्ज हुआ। इनलार्ज होने के बाद ये अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होने के बाद ये क्रोमोजोम को सेपरेट करेगा, क्रोमोजोम सेपरेशन के बाद इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जब दोनों न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे तब इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवीजन को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टूटना, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मींस टूटना। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो ये दो डॉटर सेल फ्री डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस दो फ्री डॉटर सेल में इसके दो फैट हैं, आइदर तो ये किसी खास फंक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाए, आइदर ये अगेन फिर डिवीजन के लिए रेडी हो जाए। अगर ये अगेन डिवीजन के लिए रेडी होता है तो ये एक फिर से साइकिल बनाएगा और फिर से इनलार्ज करेगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोजोम सेपरेशन होगा और फिर डिवीजन होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का एक डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इंटू टू डॉटर सेल्स। इस टर्म में सेल साइकिल। हेलो, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कोडन बायोलॉजी। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, हम आपको बता दें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग उसके कई पार्ट्स में भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और अगर पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक लेक्चर में हो चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप नीट या बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट के स्टूडेंट हैं, किसी चीज कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से अगर जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो देख सकते हैं। हाउ टू सेल नो व्हेन टू डिवाइड, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कंडीशन होता है, क्यों सेल डिवाइड करता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि ये रिप्लेस करता है ओल्ड या डेड या डैमेज सेल को। अगर कोई सेल डैमेज हो गया, ओल्ड हो गए, तो उसको रिप्लेस करता है। अगर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तभी सेल को डिवीजन करना होता है। एक ह्यूमन बॉडी में नियरली 2 ट्रिलियन सेल एवरी डे डिवाइड करते हैं, 2 ट्रिलियंस। एंड क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 30,000 to 40,000 डेड स्किन सेल्स एवरी मिनट हम लोग लूज करते रहते हैं। द टोटल नंबर जो होते हैं किसी सेल का एक ऑर्गेनिज्म में, वो साइज पे डिपेंड करते हैं, पर्सन का क्या साइज है, बट एक अनुमान लगा के बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि ये इसका नंबर अराउंड 37 ट्रिलियन सेल होते हैं। तो कैसे सेल को पता चलता है कि उसे कब डिवाइड करना है, तो इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो सेल रेगुलेशन, ये डिवीजन को रेगुलेट करता है कम्युनिकेशन के द्वारा, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करते हैं केमिकल सिग्नल के द्वारा। उस केमिकल सिग्नल एक प्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लिन, इसके द्वारा कम्युनिकेशन करता है और उसको सिग्नल देता है कि डिवाइड अप करना है या स्टॉप हो जाना है। दूसरा है कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसको हम लोग N/C रेशियो से भी जानते हैं या NC रेशियो से भी कहते हैं। ये रेशियो है न्यूक्लियस के वॉल्यूम का और साइटोप्लाज्म के साइज का रेशियो है किसी सेल के अंदर। तो जब ये रेशियो N/C रेशियो डिस्टर्ब होता है तो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। ये भी एक सिग्नल है सेल डिवीजन स्टार्ट होने के लिए। अब सिंपल समझिए, आपकी एक सेल है, ये मान लीजिए कि इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है, मे बी ये 4:3 हो सकता है या 3:1 भी हो सकता है। अब सपोज कि सेल इनलार्ज होने लगा, सेल इतना इनलार्ज हो गया, न्यूक्लियस सिंगल ही है, तब एक न्यूक्लियस से पूरे सेल को मॉनिटर करना उसके लिए मुश्किल हो रही है। तो ऐसे स्थिति में ये सेल खुद को डिवाइड करके
दो न्यूक्लियस में सेल डिवीजन होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर ये दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएंगे। तो ये भी एक कारण है सेल डिवीजन का। तो अब आते हैं सेल साइकिल के बारे में। हम लोग जो बात करेंगे अभी एक टिपिकल यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल साइकिल ह्यूमन में कैसा होता है। एक ह्यूमन सेल में सेल साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर के होते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे। जैसे कि ईस्ट में सेल साइकिल सिर्फ 90 मिनट के होते हैं। इसको मेनली दो भागों में बांटा जाता है, एक इंटरफेज, दूसरा माइटोटिक फेज, एम फेज। इंटरफेज अप्रॉक्सीमेटली 95% टाइम लेता है, यानी कि 24 आवर्स 23 आवर्स इंटरफेज ही होते हैं और सेल डिवीजन में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का समय होता है। ये बहुत कम टाइम लेता है। आई फिगर में एक बार देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये माइटोटिक फेज है, यहाँ पे डिवीजन होता है सेल डिवीजन, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इंटरफेज है। इंटरफेज में कई स्टेज होते हैं, उसके क्रोमोजोम के बिहेवियर पे इसको तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। पहला है इसमें G1 फेज, गैप 1 फेज, दूसरा है एस फेज सिंथेटिक फेज, तीसरा है G2 फेज, और G2 फेज के बाद आता है एम फेज जो कि डिवीजन का फेज है। G1 फेज जो होता है ये प्रिपरेटरी फेज है, इसमें प्रिपेयर होते हैं सेल डिवाइस डिवीजन के लिए। एस फेज में सिंथेसिस होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज में प्रोटीन असेंबलिंग होता है, प्रिपेयर होता है सेल डिवीजन के लिए। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब एम फेज जो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से होता है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उसमें पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। अब इंटरफेज में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है गैप 1 फेज, G1 फेज। G1 फेज एक इंटरवल है सिंथेटिक फेज और डिवीजन के बीच का। इसका बहुत महत्व नहीं है, इसमें बस ये होता है कि इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं सेल, मतलब खुद को इनलार्ज करेगा, मतलब प्रिपरेटरी फेज है, खुद को प्रिपेयर करता है कि अब हमें डिवीजन के तरफ मूव करना है। इसके बाद आता है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज हम लोग नाम से ही जानते हैं कि इसमें सिंथेसिस होगा। एनिमल सेल में एस फेज के दौरान दो काम होते हैं, एक DNA रेप्लिकेशन होता है, दूसरा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। क्यों हम कह रहे हैं कि एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं पाए जाते हैं। आप वेल नोन होंगे इस बात से कि प्लांट सेल, हायर प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होते हैं, इसलिए हम बात करें यहाँ एनिमल सेल का। एनिमल सेल के दौरान एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ये दो काम होते हैं। DNA रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अगर इनिशियल अमाउंट DNA का 2C मान लेते हैं तो एस फेज में ये बढ़कर 4C हो जाता है। हम नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज नहीं होते हैं। अगर डिप्लॉयड है उसमें 2N है तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम G1 फेज में भी 2N ही होगा, S फेज में भी 2N ही होगा। नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाता है। G2 फेज में हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा और असेंबलिंग होगा। तो हम लोगों ने देख लिया G1 फेज प्रिपरेटरी फेज था, इसके बाद S फेज आया जिसमें दो हुआ, एक DNA रेप्लिकेशन, दो फंक्शन हुए थे, दूसरा अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। इसके बाद आया G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और प्रिपेयर होता है माइटोसिस के लिए। अक्सर मैंने क्लास में देखा है कि बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं कि किस तरह से ये नंबर ऑफ DNA डबल होता है और नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल नहीं होता है, इसको दोबारा से बताइए। इसीलिए मैं इसे फिर से दोबारा से डिस्कस कर दूँ, अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं इसे फिर से डिस्कस कर देता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ एक्चुअली कैसे होता है ये। तो ह्यूमन के केस में हम लोग जानते हैं कि 2N होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब मान लेते हैं कि 2N बराबर हो गया नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 या तो 23 पेयर्स।
टोसी हो गया नॉर्मली अमाउंट ऑफ डीएनए एक नॉर्मल डिप्लोइड सेल में। एस फेज में क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा। यहाँ क्रोमोजोम नहीं चेंज हो रहा, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। अगर इनिशियल डीएनए 2C है तो जब डुप्लीकेशन होगा उसका तो इंक्रीज होकर वो 4C हो जाएगा, बट यहाँ नमक क्रोमोजोम में कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में 46 कैरी बैग है घर ले जाने के लिए, अगर हर एक कैरी बैग में 1 kg का ऑब्जेक्ट आप कुछ ले जा रहे हैं तो 46 कैरी बैग है, तो टोटल नॉर्मल वर्क अगर आप करेंगे तो कितना केजी ले जाएंगे, 46 kg 46 कैरी बैग में। अब यहाँ 2n बराबर मान लेते हैं 46 या 23 पेयर ऑफ कैरी बैग है, तो अमाउंट कितना ले जा रहे हैं आप, 1 kg है एक कैरी बैग में, 46 कैरी बैग है 46 केजी हुआ। अब इमीडिएट आपके घर से कॉल आता है और आपको कहता है कि सेम चीज़ें अपने कज़िन फ्रेंड्स या सिस्टर किसी के लिए लेते आना है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ 46 कैरी बैग हैं और आपको सब चीज़ फिर से उतना ही ले जाना पड़ेगा, तो आप डबल कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट अब आपके पास डबल हो जाएगा, लेकिन आपके पास कैरी बैग 46 है, तो आप क्या करेंगे, एक कैरी बैग में 2 kg का ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो 46 कैरी बैग है और हर एक में आप 2 kg का ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो कैरी बैग अभी भी आपके पास कितना है, 46 है, मतलब 23 पेयर्स हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं एक कैरी बैग को एक क्रोमोजोम, तो अभी भी 46 क्रोमोजोम ही हैं, बट हर एक कैरी बैग में अब 1 kg की जगह पे 2 kg का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं क्रोमोजोम के केस में कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 पेयर्स ही होंगे, 46, बट हर एक क्रोमोजोम में अमाउंट ऑफ डीएनए जो होगा वो डबल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया G1 फेज के बारे में, S फेज के बारे में, G2 फेज के बारे में। ये G0 फेज क्या है, ये छोटा हुआ, चलिए आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि G0 फेज क्या है, इसका क्या रूल है। G0 फेज को क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं। एडल्ट एनिमल में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवीजन नहीं करते, जैसे कि हार्ट सेल डिवीजन नहीं करते, और बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओकेजनली डिवाइड करते हैं जब काम पड़े, जैसे कि रिप्लेस करना हो या सेल डैमेज हो गया हो, इंजुरी हो गया हो, सेल डेथ हो, तभी डिवाइड करते हैं। तो ऐसे सेल्स जो डिवीजन के बाद, जैसे कि माइटोटिक डिवीजन हो गया और वो स्पेसिफाई हो गया या अब तो उसको डिवाइड नहीं करना है, तो वो G0 फेज में चले जाते हैं, और जिनको डिवाइड करना होता है वो G1 फेज में जाते हैं। जो G0 फेज में जाते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं डिवीजन को लेकर, उसे अब डिवीजन नहीं करना, वो कोई फंक्शन के लिए स्पेसिफाई हो जाएगा। जो G1 में जाते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और डिवाइड के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वो स्लाइड है जहाँ हम लोगों ने पीछे देखा था कि जब 2 डॉटर सेल होता है तो आइदर तो वो फिर से डिवीजन के लिए चला जाएगा, अगर डिवीजन के लिए जाएगा तो इसे G1 फेज में जाना होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और फिर ये इनलार्ज होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, फिर ये डिवीजन के लिए रेडी होगा। अगर ये डिवीजन नहीं करना हो, किसी फंक्शन के लिए जाना हो, तो ये G0 फेज में चला जाएगा और फिर ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा, सेल डिवीजन नहीं करेगा बल्कि ये फंक्शन करेगा। एक सवाल ये है कि एडल्ट ह्यूमन में हार्ट सेल क्यों डिवाइड नहीं करता। अभी अभी का एक रिसर्च पेपर है, ये 2018 में पब्लिश हुआ है कि एडल्ट हार्ट कंटेंस नो स्टेम सेल, मतलब एडल्ट हार्ट सेल में स्टेम सेल नहीं होते हैं। तो G0 फेज का क्या कंक्लूजन निकला, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये तब तक अब मेटाबॉलिकली प्रोलिफरेशन के लिए नहीं जाएगा जब तक कि इसे कोई सिग्नल नहीं मिलता, कोई कॉल नहीं आता ऑर्गेनिज्म के बॉडी से कि अब इसे डिवाइड करना है, तब तक ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगा बट डिविजन के लिए नहीं जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं एम फेज का। हम लोगों ने जी वन फेज देख लिया, एस फेज देख लिया, जी टू देख लिया, अभी हमने जी जीरो भी पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं एम फेज। एम कहने का मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पैरेंट एंड प्रोजेनी सेम इन द सेल, इसके प्रोजेनी में उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं जितना पैरेंट में होते हैं, यही इसका स्पेसिफिक है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं, लेकिन माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होते हैं जितना पैरेंट में होते हैं, डॉटर में भी उतना ही होता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस। एम फेज में अगर माइटोटिक डिवीजन होगा सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में इसे चार भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पी एम ए टी, पी मैट। प्रोफेज में क्या होता है, ये प्रिपेयर होता है, कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम। इसके बाद मेटाफेज में विजिबल हो जाता है, मेटाफेज सबसे बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम का स्टडी के लिए। एनाफेज में सेपरेशन होने लगता है और टेलोफेज में दो डॉटर सेल बन जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट अस। आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और इस तरह सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह बायोलॉजी लेक्चर बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।